उम्र पहुंची 36 की पार, बेंच पर बैठा ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में एक मौके के लिए तरस रहा है। टीम में कोई पूछता ही नहीं, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और आखिरकार कौन है ये खिलाड़ी, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप ये टीम इंडिया के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जहां आपको बताया भैया वर्ल्ड कप 2023 इस समय अपने चरम पर आ चुका है। जी हां, यानी कि रोमांचक मुकाबले रोज देखने को मिल रहे, और ऐसे में रोमांच में आपको बता दें कि जहां टीम इंडिया भी वर्ल्ड कप 2023 में कमाल का प्रदर्शन पेश कर रही है, जहां उसके अब तक तीन मुकाबले खेले गए और तीनों मुकाबलों में टीम ने शानदार प्रदर्शन पेश कर ये तीनों ही मुकाबले जीते। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि टीम इंडिया का एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि 36 साल का हो चुका है, लेकिन टीम इंडिया इस खिलाड़ी को बार बार नजरअंदाज कर रही है, जहां तीन मुकाबले खेले गए और तीनों ही मुकाबलों में यह खिलाड़ी दोस्तों केवल पानी पिलाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, दरअसल यह खिलाड़ी आपको बता दें कि अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, और इसकी गेंदबाजी जब भी करता है तो यहां पे बड़े बड़े बल्लेबाज भी दोस्तों घुटने टेक देते हैं। दरअसल यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आपको बता दें कि टीम इंडिया की शानदार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी है। जी दोस्तों, मोहम्मद शमी जैसे कि आपको पता है एक बेहतरीन गेंदबाज है, और जहां एक समय में आपको बता दें कि मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में लगातार मौके मिलते थे, लेकिन जब से आपको बता दें कि यहां पे मोहम्मद शमी को बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है वर्ल्ड कप में, तीन मुकाबले खेले गए और तीनों ही मुकाबले में इनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और ऐसे में यहां आपको बता दें कि फैंस भी काफी भड़क रहे हैं। जहां आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज को मौका मिला, और मोहम्मद सिराज दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दो मैचों में काफी किफायती साबित हुए। जी हां, उनको यानी कि उनके रन ज्यादा पिटे, उनके विकेट भी नहीं लिए, तो ऐसे में यहां पे फैंस कह रहे हैं कि आप इनकी जगह पर मोहम्मद शमी को मौका देते तो ज्यादा बेटर रहता, और साथ साथ कह रहे हैं कि आप साहुल ठाकुर को मौका दे रहे हैं, साहुल ठाकुर की जगह आप मोहम्मद शमी को मौका देते तो ज्यादा फायदा रहता। जी हां, यानी कि देखा जाए तो यहां पे मोहम्मद शमी को बीसीआई बार बार नजरअंदाज कर रही है। तो आपकी राय इस बारे में, आपको क्या लगता है कि अगले मैच में मोहम्मद शमी को मौका मिलना चाहिए या नहीं, अपना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।